Today, children, we shall continue with the topic different kinds of quadrilaterals. Okay, let us take the quick recap of what we had done last time. We had discussed about some of the quadrilaterals. First was square. Okay, in this, what we discussed that a quadrilateral is a square if all the sides are equal in length. ठीक है, then all the angles are equal to 90 degree. ठीक है, and also we discussed length of the diagonals are equal, that is AC equal to BD. Okay, then diagonals bisect each other, AO equal to OC, DO equal to OB. And diagonals are perpendicular to each other, मतलब ये सारे angles 90 degree के, that is AC perpendicular to BD. ठीक है, this we discussed. Then next we discussed about the rectangle. Rectangle में A B C D rectangle, opposite sides are equal. A B equal to D C and A D equal to B C. All right, all the angles are equal to 90 degree. Angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. ठीक है, length of the diagonals equal, AC equal to BD. Also diagonals bisect each other, AO equal to OC and DO equal to OB. Right, then the third we discussed about the parallelogram. इसमें क्या था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू सी बी. नाउ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, मतलब सेकेंड पॉइंट हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, और ये जो डायगनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. राइट, नाउ द फोर्थ वन which we will start today is the rhombus. Okay, let us draw the figure. We assume that this is a rhombus. Let us mark it A, B, C and D. ठीक है, now let us write the properties of the rhombus. Rhombus is a quadrilateral whose first point all sides are equal. All sides are equal in length. ठीक है, मतलब दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड दे ऑल आर इक्वल. ओके, सेकेंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. राइट, देन थर्ड पॉइंट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर.
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये बी डी और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। फोर्थ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर मतलब क्या हो गया, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब 90 डिग्री का हो गया, तो हम भी लिखेंगे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट राइटिंग हियर। फर्स्ट पॉइंट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या था, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, नाउ डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ऑल राइट, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉम्बस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, दैट इज काइट। लेट अस ड्रॉ द फिगर ऑफ काइट। This is kite. Let us name it A, B, C and D. ठीक है, so it is a quadrilateral whose exactly two pairs of consecutive sides are equal. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, and the next point is one diagonal bisects the other diagonal. Now we look it into the question. See here, our first point was it's a quadrilateral whose exactly two pairs of consecutive sides are equal. ये और ये इक्वल है, दैट इज ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी, दीज आर दी कंसेक्यूटिव साइड्स। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब क्या है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल सब 90 डिग्री हैं। सेकेंड पॉइंट इज ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, नाउ इट इज गिवन वन डायगनल बाइसेक्ट्स द अदर डायगनल। इसमें ये देखो ध्यान से, जो ये डायगनल ए सी है, ये डायगनल डी बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ओ है, तो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ऑल राइट, मगर ये डी बी इसको इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करती, क्योंकि ए ओ छोटा है और ओ सी बड़ा है। ऑल राइट, सो दीज आर द
properties of the kite. Now the next in the list is the trapezium. Let us draw the trapezium. This is the trapezium. Let us mark it A, B, C and D. Now trapezium, it is also a quadrilateral. Lateral which has only one pair of parallel sides. ठीक है, तो यहां पे इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ट्रपीजियम. In which AB is parallel to DC. All right. Now we have few points to remember. Some important points to remember. First point, a parallelogram with sides of equal length is a rhombus. इसका मतलब क्या है कि अगर parallelogram की सारी sides equal हो जाएं तो वो रॉम्बस बन जाएगा. सेकेंड, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल. इसका मतलब ये है कि अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल राइट एंगल हो गया तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा. एक एंगल राइट एंगल का होना मतलब सारे एंगल राइट एंगल हो जाएंगे. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. तो पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल इज़ अ रेक्टेंगल. देन थर्ड, अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ equal length is square. अगर rectangle की हम सारी sides equal length की कर दें तो वो square बन जाएगा. Okay? So this is about some important points which we should remember. From the next class we shall start with the questions.